हाँ उन्होंने चित ले लिया तो दूसरा है ही लगा। देखो जरा, ठीक है। चंदन दीवाना जी ने टॉस जीता है और ये फूलों की मालाएं, हाँ पहनाइए पहनाइए, जोरदार ताली बजाएं। सिकंदरा राव से हमारे बीच में प्रिय माधव जी हैं, उनको भी माला पहना करके जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार सभी लोग मिलके बोलिए, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो आ सबसे पहले हाँ इस गांव की पावन रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए जय हो, बारंबार प्रणाम है, नमन है। उसके बाद इस गांव की मैया गमा देवी को मेरा बार बार वंदन अभिनंदन है। जय हो। और हवा में बिचरने वाले तमाम हमारे देवी देवताओं के चरणों में मेरा बार बार वंदन अभिनंदन। जय जय। और उनसे कहना है कि जहां भी आपको ये यथोचित स्थान प्राप्त हो, आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे। उसके बाद में यहाँ पर जितने भी जनता जनार्दन बैठी है, सबको इस छोटी सी पार्टी, सबसे छोटी पार्टी चंदन दीवाना एंड पार्टी की तरफ से बार बार वंदन अभिनंदन है। सबको नमस्कार है। जय हो। और उसके बाद में बहुत सुंदर पार्टी, बहुत अच्छे कलाकार, सक्षम कलाकार, हाँ आदरणीय भैया माधव जी की पार्टी को मेरा बारंबार प्रणाम है और उनके समस्त सहपाठियों को मेरा बारंबार नमन है, प्रणाम है। और जैसा कि कीर्तन जगत की प्रथा होती है, जय हो, सबसे पहले लघुवाद वादन, हाँ उसके बाद में आप सभी लोग कीर्तन का रसास्वादन प्राप्त करेंगे। जय हो। तो आइए चलते हैं छोटे से लघुवाद वादन की तरफ, उसके बाद में चलिए जैसा माँ चाहेगी।
सुंदर, जय हो, क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ये है पढ़ाई लिखाई, क्या बात है, बहुत अच्छे, जय हो, ये पवन भैया दो हाथ वो दिखाइए जो आपने लाल किले पर बजाए थे। पवन भैया जब अभिनंदन ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी उसकी खुशी में आपने क्या बजाया था ये बताइए आप। पवन भैया केवल दो हाथ को और दिखाओ जो आजकल बीजेपी के पर्चा फाइल हो रहा है उसमें क्या बजाते हो आप। यही बात है, बहुत अच्छे, क्या हो, क्या बात है, बड़ी मेहनत से बुलाए हैं, चार दिन में आए हैं ये, बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत अच्छे, शाबाश भैया शाबाश, क्या हो, ये पवन भैया दो हाथ वो और दिखाओ जो आजकल गुजरात वाले बजा रहे हैं, गुजरात वाले, क्या बात है मेरे भैया, बहुत अच्छे, शाबाश भैया शाबाश, बहुत अच्छे, और भैया इसको क्लियर कर दो क्लियर, यहो बहुत अच्छे, जियो मेरे भैया शाबाश भैया, जियो मेरे भैया, यही बात है पवन भैया, अब ज्यादा समय नहीं लेना है हम लोगों को, केवल दो हाथ पोर दिखाओ जो आजकल पंजाब के लोग बजा रहे हैं। सभी लोगों से निवेदन है जो भैया लोग खड़े हैं पीछे उनसे निवेदन है सभी लोग बैठ जाइए क्योंकि कार्यक्रम रात भर का है, थोड़ी देर का कार्यक्रम नहीं है। एक बार फिर निवेदन करना चाहूंगा जो पीछे खड़े हैं कृपा करके बैठ जाइए। आई चलते हैं। कहते हैं जब भी कोई शुभ कार्य होता है सनातन धर्म में तो सबसे पहले बाबा गणेश को मनाते हैं, लेकिन जब भी कभी कीर्तन जगत की बात आती है और जो भी माताएं बहनें आ रही हैं उन उनके लिए थोड़ी जगह करवा दे जो भी कार्यकर्ता लोग हैं। वरनाम रथ संधानम ये रसानाम छंदसाम पी ये मंगलानाम चकरतारो वंदे बाणी विनायको सरस्वती महाविद्या वीणा पुस्तक धारिणी हंस वाहिनी समारुणा विद्या बुद्धि ददा तुम्हें गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए विलंब न करते हुए माधव भैया बड़ी जानी पहचानी धुन सुना रहा हूँ, सुनिए सुनिए कि रामाय अवधि हो
घर के आंगन में हो राधा मोहन शरणम है, तो सत्यम शिवम सुंदरम ये तो रही फिल्मी धुन, लेकिन देखिए जब भक्त मैया के दरबार में जाता है तो देखिए क्या कहता है। क्या भैया क्या? कौन कृपा की हो करम है। तो भक्त कहता है मां करुणामयी कर करम हो, अरे पति तम बंदे मातर मलाई छिपी होती है, होती है। मेरी मैया को पत्थर मत समझना यारो, मेरी मैया को पत्थर मत समझना, क्योंकि इसी तेरा वाली में मेरी माँ की परछाई छिपी होती है। इसलिए है माँ जहो पति तम बंदे मातरम का दिल लाजवाब होता है, और प्यार इसमें बेहिसाब होता है, होता है। कोई बच्चा माँ से प्यार करे या न करे ना, कोई बच्चा माँ से प्यार करे या न करे, लेकिन माँ को अपने हर बच्चे से प्यार होता है, होता है। बात समझ में आई? ताली क्यों नहीं बजाई? एक बात बताना चाहता हूँ, जब प्रहलाद अपने स्कूल में बच्चों को नारायण नारायण कहवा रहे थे, यहां तक हुआ कि संत और अमरक भी झूमने लगे, बड़े बड़े दैत्य झूमने लगे, लेकिन हिरण्यकश्यप नहीं झूमा। क्यों नहीं झूमा मालूम? क्यों भैया? क्योंकि जो बल्ब फ्यूज होता है उसमें चाहे 11,000 का करंट घुस दो, जले वाला नहीं होता। क्या बात है? मैंने कहा कि माँ का दिल लाजवाब होता है, प्यार इसमें बेहिसाब होता है। कोई बच्चा माँ से प्यार करे या न करे, लेकिन माँ को अपने हर बच्चे से प्यार होता है। और भैया कह रहे हमें समझ में नहीं, लगता है तुमको अपनी माँ से प्यार नहीं है। भैया है नहीं, क्योंकि माँ यार माँ होती है। एक बार माँ के लिए ऊपर हाथ करो, बोल जन्म देने वाली मैया की जय। ये बात आई जब पसंद है हो।
में ढला करती है और मौत माँ की चौखट पे पला करती है, करती है। कौन मारेगा उस दीवाने को प्यारे जिसके सीने में माँ की ज्योति जला करती है, करती है। और हमारे चाचा जी पंडित जी बहुत दूर से आए हैं, हमने अब देख पाया है, प्रणाम है आपको, बहुत दूर से कीर्तन सुनने के लिए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आई चलते हैं, श्वेत बसर है श्वेत जल जो पर ये अरे करुणा मई आहे आसन ओ श्वेत पसन है पसन माने कपड़े क्या हो मैया शारद के कपड़े कैसे हैं सफेद श्वेत माने सफेद और श्वेत जलज पर जलज माने कमल श्वेत माने सफेद ही कमल है और उस पे मैया का आसन है सप्त दीप में सप्त स्वरों से आपका है अनुशासन एक बात याद रखना माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और घर वाली माँ की दुआ इस माँ से डाली नहीं जाती जाती चार बच्चों को बर्तन मांझ के पाल लेती है एक माँ चार बच्चों को बर्तन मांझ के पाल लेती है एक माँ बहू आ जाने के बाद चार बेटों पर एक माँ पाली नहीं जाती चार बेटों पर भैया एक माँ पाली नहीं जाती जाती इसलिए करुणा मई कर करो और ये हमारे भैया की तरफ से फिर से 11 रुपए की अमूलक भेंट प्राप्त हुई है बहुत बहुत धन्यवाद है करुणा मई कर करम तो पति तम पते मातर दौर हमारी तरफ से पूर्णता हुआ है और इसके बाद में हमारे बहुत ही सक्षम कलाकार माधव जी आप लोगों के समक्ष वंदना दौर लेके आने वाले हैं और एक बार सभी लोग ताली बजा के बोलेंगे क्योंकि नवरात्रों का पावन पर्व चल रहा है माता रानी के चरणों में सभी लोग ताली बजा के अरे तेरे मठ पे झंडा लाल हे लाल चौरासी घंटा बाज रहे तेरे मठ पे झंडा लाल हो लाल चौरासी घंटा बाज रहे अरे तेरे मठ पे झंडा
जन्म देने वाली मैया की जय। आइए बहुत सुंदर वंदना दौर लेकर हमारे भाई माधव जी आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे भैया की तरफ से आया है, बहुत बहुत।